अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं निकल के कुवैत से जो कि ज़रूरी हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी, चेकिंग और जो है नया वायरस कुवैत के अंदर एंट्री कर चुका है या नहीं, उसके हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले बताना चाहेंगे, कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेवल बैन किया गया है। लगभग हज़ारों में लोग ट्रेवल बैन वाले हैं और ज़्यादातर जो मोबाइल किस्तों पे लेते हैं वो लोग हैं, क्योंकि मोबाइल हर बंदा किस्तों पे लेने के बाद में किस्त नहीं भर पाता है, उसकी ड्यू होना शुरू हो जाती हैं और पेमेंट कभी टाइम टू टाइम नहीं मिलता। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ट्रेवल बैन किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से मोबाइल वगैरह लोन पे लिए हैं तो 2023 और 24 के अंदर बहुत सारे लोगों का ट्रेवल इसी चीज़ को देखते हुए बैन किया गया है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इस तरीके से किस्तों पे मोबाइल लेने से या फिर किसी भी तरीके से कोई लोन उठाने से बचें, क्योंकि अधिकतर ज़्यादातर लोगों के ट्रैवल बैन इसी चक्कर में हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर नए वायरस को लेकर, मंकी फॉक्स को लेकर कुछ अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रवासियों को या फिर किसी भी तरीके से कुवैती नागरिकों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुवैत के अंदर मंकी फॉक्स का वो जो वायरस है वो नहीं आया है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से कोई बबूले वगैरह या फिर जिस्म पे कहीं पर भी कुछ निशान वगैरह पड़ते हैं तो चेकअप ज़रूर कराएं और PCR वगैरह ज़रूर कराएं, ताकि क्लियर होए कि आपको कोई बीमारी दूसरी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी भी तरीके से, और जंगली जानवरों को छूने से मना किया गया है किसी भी तरीके से, कि इनको ज़्यादा छुए ना और टाइम टू टाइम हाथ वगैरह धोते रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है दो नंबरी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार लोग और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दो नंबरी कर देते हैं। ऐसे ही एक कुवैती बंदे ने मामला दर्ज किया कराया है कि 10,000 के डी उसने एक ठेकेदार को दिए थे काम कराने के लिए, लेकिन 2-4 दिन काम कराया, उसके बाद में उस ठेकेदार ने टाइम देता रहा, 1 महीना निकाल दिया, उसके बाद में अब उसका फाइनली जो नंबर है वो बंदा आ रहा है। कुवैती बंदे ने कंप्लेन दर्ज कराई, अब छानबीन की जाएगी कि वो बंदा कौन था, क्या नहीं था। तो अगर आप इस तरीके से ऐसे ठेकेदारों के पास में काम करते हैं कहीं पर भी इस तरीके से, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जीवाड़े से काम करते हैं, फर्जीवाड़े से पैसे कमाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को जो है कुवैत के अंदर से निकाला जा रहा है और हमेशा के लिए फिंगर किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।